यूपी के सीतापुर पहुंचे शिवपाल सिंह यादव एक निजी कार्यक्रम के लिए सीतापुर आए थे। शिवपाल सिंह यादव सिधौली रुके, जनता को संबोधित किया और उन्होंने कार्यकर्ताओं को यह बताया कि सन 2024 में चुनाव होने वाले हैं। 2024 में भाजपा को यूपी से पूरी तरीके से साफ कर देना है और समाजवादी पार्टी की सरकार को लाना है। साथियों, जिस समय आप सब लोग देख रहे होंगे, उत्तर प्रदेश में जिस समय कुशासन है उसकी वजह से सब लोगों को परेशानियां हैं, तो इसे कुशासन को हटाने के लिए समाजवादी पार्टी को मजबूत करना है और बहुत ही जल्दी हमारी राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी सबको जिम्मेदारी दे देगी। गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले जा जा करके, घर-घर जा करके समाजवादी पार्टी को मजबूत कर देना है और 2024 में पूरे उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें हम लोगों को जीतना चाहिए जिससे कि दिल्ली में कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार न। शिवपाल सिंह यादव ने यह भी बताया कि इस बार यूपी से बीजेपी के जाने के बाद वो दोबारा कभी लौट कर नहीं आएगी। लेकिन शायद शिवपाल सिंह यादव ये भूल गए कि लखनऊ में इतने बड़े इन्वेस्टर मीट होने के बाद क्या लगता है, क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट बन पाएगी या सिर्फ शिवपाल सिंह यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। सिधौली से गुरप्रीत सिंह के साथ हिमांशु शुक्ला, ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार न्यूज।